तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कुरकुरे बनाने के प्रोसेस। जो आप ये देख रहे हो ये कुरकुरे बनाने की मशीन है। हालांकि एक मशीन से आप जो मार्केट में बाज़ार में 10 तरह के स्नैक्स आते हैं वो सारे आप इसी मशीन से बना सकते हो। तो अभी आप प्रोसेस देखेंगे जो इस वीडियो में, वो कुरकुरे मेकिंग मशीन का देखेंगे, कैसे इसको बनाया जाता है, मार्केट में कैसे आप सेल कर सकते हो। आप देख रहे हो ये ऑटोमेटिक फुल्ली मशीन होने वाला है। एक मशीन से आप 10 तरह के स्नैक्स बना सकते हो। मार्केट में इसका काफ़ी डिमांड है। 5 रुपये का ये बिकता है, इजिली सेल आउट हो सकता है। हर एक बच्चे की ये सबसे पहली पसंद होती है चीज़ में, अगर स्नैक्स की बात करी जाए तो। आइए जानते हैं और मिलते हैं, पूरा ए से लेके जेड तक का प्रोसेस देखते हैं कैसे ये बनाया जाता है। आइए मिलते हैं। बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है 3 चीज़ों की। एक है ये चावल, जो कि ग्रिट है, चावल की पिसा हुआ चावल है पूरी तरह। एक होता है ये मक्का, मक्के की भी ग्रिट है, पूरा पिसा हुआ होता है। और तीसरे नंबर पर अपना बेसन है। इन तीनों चीज़ों को हम इस बैच मिक्सर में डालते हैं और इसको हम पहले डालो तुम इसे सही है। ये चावल है, ये आ गई अपनी मक्का जो कि ग्रिट है मक्के की पूरी तरह पिसी हुई, और बेसन। बेसन 1% 50 किलो के बैच में 50 ग्राम 100 ग्राम बेसन डलता है। बस 50 किलो का ये बैच है, इसमें 50 किलो है, जिसमें से 25 किलो मक्के की ग्रिट है और 25 ही किलो इसमें चावल की ग्रिट है, और इसमें 100 ग्राम बेसन पड़ा हुआ है। अब इसको हम मिक्स करने वाले हैं। अब इस बैच में डाला जाएगा थोड़ा पानी। जब तक ये पूरी तरह मिक्स होगा हम तब तक इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पहले बैच मिक्सर के द्वारा। अब इसमें थोड़ा हम तेल और डालेंगे, देख लो। ये लगभग 4 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो मिक्सर है पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। देखिए ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो चुकी हैं। लगभग 4 मिनट का ये प्रोसेस है। अब इसको हम लेके जाएंगे हॉपर में डालेंगे एक्सट्रूडर के। ये इसको हम बाल्टी में भरकर एक्सट्रूडर के हॉपर में डालेंगे। डाल दो। और अब हम अपनी मशीन के हॉपर में रॉ मटेरियल को डालेंगे, जैसे हमारा प्रोडक्ट बनकर बाहर आएगा। और हम अपनी मशीन चालू करने वाले हैं। ये देखिए हमारी मशीन का पैनल है, अब इसको हम चालू करेंगे। इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी है, ये स्टार्ट हो गया पैनल। अब ये इससे हमारी मशीन को स्टार्ट करा जाएगा। ये हमारी मशीन स्टार्ट हो रही है, देखिए हमारी मशीन हो चुकी है स्टार्ट हो गया, जिसमें से हमारा प्रोडक्ट आना बाहर आना शुरू हो चुका है। ये कुरकुरा है जो कि आजकल बच्चों के द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। और इस मशीन से हम कई प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे बच्चों के लिए पफ होता है, रिंग होता है, बॉल्स होते हैं और कुरकुरा। ये हमारा 2-in-1 एक्सट्रूडर है मशीन, जिसमें हमारे लगभग 10-12 आइटम आराम से हम बना सकते हैं। इसमें बच्चों के पफ, रिंग, बॉल्स, कटोरी, पास्ता, इस तरीके की चीज़ें हम रेडी करा सकते हैं। ये कुरकुरा हमारा निकल रहा है इसमें तैयार। मारो इसमें। इस तरह हमारा कुरकुरा एकदम बहुत अच्छी शेप में बनकर तैयार हुआ है और ये लगातार हमारी मशीन से निकल रहा है। ये देखिए हमारा कुरकुरे का शेप साइज काफ़ी अच्छा जो निकल रहा है। ये कुरकुरा रोस्ट मशीन में हम डाल रहे हैं, जिससे कुरकुरा पूरी तरह से रोस्ट हो जाएगा और लगभग 2-3 मिनट में रोस्ट होके ये दूसरी तरफ से बाहर निकलेगा। ये देखिए इस तरीके से घूमते हुए
ये इसमें हीट होगी पूरी, जो कि हमारे कुरकुरे को काफ़ी क्रंची बना देगी, और कुरकुरा थोड़ी देर में इधर की साइड से ये बाहर आना शुरू हो चुका है। कुरकुरा लगभग अभी 2 ही मिनट हुए हैं और हमारा कुरकुरा ये देखिए कुरकुरा पूरी तरह से क्रंची हो चुका है। फिर बिजनेस को देखा और समझा तो मुझे एक ऐसा बिजनेस ये लगा जिसमें मेहनत थोड़ी कम है और मुनाफा ज़्यादा, और मैं रियल बताऊं मुझे पैसा कमाने के लिए ये बिजनेस सबसे अच्छा लगा, क्योंकि इसकी पहुंच हर छोटे गांव से लेकर हर बड़े शहर तक इसकी पहुंच है, और बच्चों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बिजनेस ये है। चाहे कितना ही छोटा गांव हो या कितना ही बड़ा शहर, उसकी हर दुकान पे हमारा ये प्रोडक्ट आपको बड़े आसानी से मिल जाता है। तो इसलिए मैंने इस बिजनेस को चुना जिसमें कि मेहनत थोड़ी कम होती है और आमदनी की अगर मैं बात करूँ तो आमदनी काफ़ी ज़्यादा होती है। जी सर, अभी हम जो इसमें बना रहे हैं कुरकुरा बनाते हैं, पफ और रिंग हम इसमें बनाते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो लगभग 9-10 लाख रुपए मेरी मशीनों का था सारा। हमारे रोज जो प्रोडक्ट ये जाते हैं पाउचेस, लगभग 15-16 हज़ार पाउच हम रोज़ सेल कर रहे हैं अभी अपने, और हर पाउच पे हमें लगभग 1 रुपया बचता है पूरा। तो 15-16 हज़ार रुपये हमारे रोज़ की बचत है अगर मैं बात करूँ। बाकी जैसे 4 संडे तो बंद रहता है प्लांट, लगभग हमारा 4 लाख रुपये मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो पर मंथ हमें बचत हो जाता है।